का पति रावण अपनी बहन का पति कार लेने आया और तुम्हारे पति के दम पर प्रहार करने आया हूँ मैं। आर्या, आर्या, लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, आर्या। चलो। सीते, सीते कहाँ हो तुम? सीते, जब राम वापस लौटे तो उन्हें यह आभास हुआ कि सीता का हरण हुआ है। सीते, 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 सीते। आप सभी इस कहानी में केवल राम का सीता के प्रति अनंत प्रेम देखिए। जिस पीड़ा में सीता थी वही कष्ट राम भी भोग रहे थे और इन दोनों को परिस्थितियों ने अलग किया, किंतु मन से वो सदैव साथ थे। राम सीता का प्रेम अनंत था। कथा बहुत अच्छी थी किंतु अब रात्रि बहुत हो रही है, हमें चलना चाहिए। बाबा, काका, आज रात्रि आप सभी इस प्रेम कहानी के विषय में अवश्य सोचना। राम के जीवन में सीता के महत्व पर मनन चिंतन अवश्य करना। चलते हैं काका। अक्रूर, तू लौट आए? अर्थात महामाया का अस्त्र काम आ गया? वो कृष्ण विफल हो गया? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु वो कृष्ण विफल नहीं हो सकता। महाराज, उसने एक क्षण में सरोवर बना दिया। मैंने उसकी दिव्यता देख ली। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें आपको मारने की शक्ति है। अक्रूर, तुम मुझसे द्रोह कर रहे हो। तुम कृष्ण के पक्ष में बात कर रहे हो? कदापि नहीं महाराज, आपकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। तो निभाओ अपना कर्तव्य। यदि वो कृष्ण मेरा काल है तो उसे मारना ही मेरी रक्षा है। महाराज, मैं आपके पक्ष में। असुर देवी महामाया का अस्त्र विफल कैसे हुआ? कैसे? महामाया को इसका उत्तर देना होगा। वैसे कान्हा, आज राधा ने जो कथा सुनाई वो अद्भुत थी। कैसे वो तुम्हारी भाषा बोल रही थी? ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जैसे मुख उसका हो किंतु वाणी तुम्हारी। दाऊ, ये वाणी मेरी नहीं, हमारी राधा कृष्ण की। और ये केवल मेरी राधे ही बोल सकती। जितने प्रेम से कृष्ण कहानी सुना सकते हैं उतने ही प्रेम से राधा भी कहानी सुना सकती है। सत्य वचन, अब जिस प्रकार श्री राम वानर सेना संगठित कर लंका पर विजय प्राप्त कर सीता को संकट मुक्त किया था, उसी प्रकार अब राधा को समस्त बरसाना वालों को, सारे स्त्रियों को, सारे पुरुषों को
संगठित करके कृष्ण को संकट मुक्त करना होगा। किंतु कान्हा, ये संभव कैसे हुआ? अर्थात राधा तो अभी भी मनुष्य योनि में ही है, और मनुष्य योनि में रहकर बिना तुम्हारी किसी सहायता के वो कैसे स्वयं के सत्य को समझ पा रही है, जान पा रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मैं राधा को उसकी वास्तविकता का बोध करवाने के अंतिम चरण तक ले आया होता। अब अंतिम चरण की ओर अंतिम पग मनुष्य स्वयं ही लेता है क्या? किंतु कान्हा, ये अंतिम पग सबसे कठिन भी तो होता है ना। ये पग कितना भी कठिन क्यों ना, इस बार मैं राधा की कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या? किंतु आप भी राधा की कोई सहायता नहीं करेंगे था। मैं भी राधा की सहायता नहीं करूंगा कन्हा, ये कैसे संभव? इसे संभव करना होगा था, कोई और विकल्प नहीं है, यही समय की मांग है। और जो समय की मांग है, यदि वो ना हो तो राधा की ये समस्त यात्रा निरर्थक सिद्ध होगी। किंतु कन्हा, अब ऐसा क्या होने वाला? अब वो होगा जो ये निर्धारित करेगा कि राधा इस यात्रा में सफल हुई या असफल। कल अष्टमी है था, अष्टमी महागौरी का दिन। कल राधा को महागौरी के महागुण का आभास होने दीजिए। अष्टमी नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ये दिन महानतम बलिदान और त्याग का दिन होता है। अब राधा को इसी बलिदान के लिए अपनी क्षमता का, अपने सामर्थ्य का परिचय देना होगा। ये परीक्षा अब राधा को देनी होगी था। ये कैसे संभव है कंस? वो कृष्ण ऐसा कैसे कर सकता है? संभव हुआ है माता, आपसे एक निवेदन है मां माया। अब आपको एक ऐसी माया रचनी होगी जिससे आपके सपना साकार हो। अन्यथा यदि आप उस साधारण से ग्वाले से पराजित हुई तो समस्त असुर कुल की आस्था आपके प्रति आहत हो जाएगी माता। ना ही आपके ये भक्त होंगे और ना ही होगी आपकी कोई आराधना। महामाया, कुछ कीजिए। नहीं कंस, ऐसा कभी नहीं होगा। असुरों का विश्वास आहत नहीं होगा। मैं ऐसी माया की रचना करूंगी जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भेद नहीं पाएंगे। विस्थापन अस्त्र है कंस, जैसे ही इसका उपयोग करोगे स्त्रियां ऐसी माया में खो जाएंगी, फिर वो कभी अपने पतियों से एक नहीं हो पाएंगी। यदि इस अस्त्र का पूरा लाभ उठाना चाहते हो कंस, तो इसका उपयोग सही समय पे ही करना। अवश्य माता, आपके कथन के अनुसार मैं इस महाअस्त्र का उपयोग तभी करूंगा जब साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो कृष्ण क्या कर पाएगा?